मंत्री नरोत्तम मिश्रा की, जिन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस का जन्म गुटबाजी में हुआ है। कांग्रेस कैडर बेस्ड पार्टी नहीं, गुट प्रधान पार्टी है। कांग्रेस में कमलनाथ गुट, दिग्विजय गुट, अरुण यादव गुट और अलग अलग न जाने कितने गुट हैं, और यही कांग्रेस की दिक्कत है। सुनिए आप क्या कुछ कहा गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को लेकर, सुनाते हैं आप। कांग्रेस का जन्म ही गुटबाजी में हुई है, उसकी रचना ही इस तरह की है कि वो गुटबाजी में, वो कोई कैडर बेस पार्टी थोड़ी है, गुट प्रधान पार्टी है। कमलनाथ गुट का, दिग्विजय गुट का, पचौरी गुट का, अजय सिंह गुट का, अरुण यादव गुट का, ये जो गुटके हैं, ये दिक्कत है कांग्रेस। तो सुना आपने, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए निशाना साधा है, और वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, कांग्रेस पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, गुट प्रधान पार्टी है। यहाँ पर अलग अलग नेताओं के गुट हैं, कमलनाथ का अलग गुट है, दिग्विजय सिंह का अलग गुट है, और न जाने ऐसे कितने ही अलग अलग गुट हैं, और यही कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है। हम रुक करेंगे इस खबर पर प्रतिक्रिया लेने के लिए। हमारे साथ दोनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ता मेहमान फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी से कृष्ण गोपाल पाठक जी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अजय सिंह यादव जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पहली प्रतिक्रिया अजय जी मैं आप ही की लूंगा, क्योंकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि बीजेपी की तरफ से इस तरह से तंज कांग्रेस पर कसा गया हो। गृहमंत्री कह रहे हैं एक बार फिर वही कि कांग्रेस कैडर बेस पार्टी नहीं, गुट प्रधान पार्टी है। यहाँ अलग अलग कांग्रेस में न जाने कितने ही गुट है, जो कांग्रेस की यही दिक्कत है। पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी बात कर रहे हैं। भाजपा में सिंधिया जी के आने के बाद गुटबाजी स्पष्ट दिखाई दे रही है, और गुटबाजी के हिसाब से ही ये सरकार चल रही है। मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, अगर आपकी पार्टी में गुटबाजी नहीं है तो मुझे बताइए, एक ग्वालियर चंबल संभाग के 15 मंत्री और महाकौशल और बिंद जैसे इलाकों के एक एक मंत्री कैसे बन गए? क्योंकि वो सिंधिया जी के गुट से नहीं जुड़े हुए थे। सिंधिया जी के साथ आए हुए पहली बार के विधायकों को मंत्री बनाया जाता है, और भाजपा के 6-6 बार के विधायक मंत्री नहीं है, तो गुटबाजी तो कहाँ है, स्पष्ट दिखाई दे रही है। हमारी पार्टी में सिंधिया जी गुटबाजी का पर्याय बन गए थे, वो सिंधिया जी भी चले गए और अपनी गुटबाजी भी भारतीय जनता पार्टी में लेके चले गए। अब नरोत्तम मिश्रा जी पार्टी के अंदर की खींच मिटाने के लिए, अपने नेताओं के बीच में असंतोष बचाने के लिए अनर्गल बातचीत कर रहे हैं। भाजपा के नेता प्रवक्ता बताएं कि केवल प्राथमिकता एक गुट विशेष के नेताओं को ही क्यों मिल रही है? मैं ले लेता हूं यादव जी, जवाब ले लेता हूं पाठक साहब से। सुना आपने, सवाल पूछ रहे हैं आपसे यादव साहब। पाठक जी क्या कहेंगे आप, गुटबाजी आपकी पार्टी में भी है, वरीयता सिंधिया समर्थक नेताओं को क्यों दी जाती है? देखिए, आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि कांग्रेस कबीलाई संस्कृति की पार्टी है। जब चुनाव होते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो आपस में ये एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। कौन नहीं जानता कि सरकार में रहते हुए कमलनाथ जी किस प्रकार गुटबाजी के शिकार हुए? अपने बेटे को स्थापित करने के लिए दिग्विजय सिंह जी ने पूरी की पूरी कमलनाथ सरकार चट कर दी, सिंधिया जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने मिलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपमानित करने का व्यवहार किया। कौन नहीं जानता कि उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह के ऊपर मंत्री रहते हुए आरोप लगाए थे कि शराब माफिया और खनन माफिया से दिग्विजय सिंह पैसे कमा रहे हैं। कौन नहीं जानता कि गोविंद सिंह जी ने ये कहा था कि 50-50 लाख रुपए में थाने बिक रहे हैं। तो आज नरोत्तम जी अगर कांग्रेस पार्टी की स्थिति यहाँ पर बयां कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का कल्चर है पट्टेवाद, कांग्रेस पार्टी का कल्चर है छत्रपवाद, जबकि भारतीय जनता पार्टी में इसके उलट स्थितियां हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो हर 3 साल में प्रदेश अध्यक्ष बदल जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाते हैं, जिलाध्यक्ष बदल जाते हैं, मंडल अध्यक्ष बदल जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में सिर्फ अपने पुत्रों को और पट्टों को जो स्थापित करने का खेल है, आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी उसको सामना कर रही है उससे। चलिए, मैं समझता हूँ पार्टी का गठन, ये एक लंबा विषय है जिस पर हम लंबी डिबेट कर सकते हैं। मुझे आप दोनों प्रवक्ता मेहमानों की एक एक प्रतिक्रिया चाहिए थी। आप दोनों ने मुझसे बातचीत की, प्रतिक्रिया दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पाठक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस का अपना आरोप है, कांग्रेस कह रही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गुटबाजी तो बीजेपी में जमकर हावी, और ये बात किसी से छिपी नहीं है। तो बीजेपी का अपना तंज है, बीजेपी का अपना कटाक्ष है कांग्रेस पार्टी पर। हालांकि देखिए, यही नहीं, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यही नहीं रुके, उन्होंने सांसद दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर भी आज
तंज कसा है पार्टी पर। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम खराब, केस हार गए तो अदालत खराब, पाकिस्तान में सेना घुस जाए तो सेना खराब, वैक्सीन बन जाए तो वैज्ञानिक खराब, और कांग्रेस की विकृत सोच है ये। इटली वालों के अलावा कांग्रेस पार्टी को कोई अच्छा ही नहीं लगता। जब हारते हैं तब ईवीएम खराब है, दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट देखा, हार गए तो डीवीएम खराब, केस हार गए तो अदालत खराब, अगर पाकिस्तान में सेना घुस गई तो सेना खराब, वैक्सीन बन गई तो वैज्ञानिक खराब, ये इनकी विकृत सोच है। इनको इटली वालों के अलावा कोई अच्छे लगते ही नहीं है, कोई मौका छोड़ते नहीं है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस पर तंज कसने में। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश सरकार पत्थरबाजों पर अब सख्त नजर आ रही है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्थरबाजों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि गलत करोगे तो रोकेंगे और नहीं मानोगे तो ठोकेंगे। जिस घर से पत्थर आएंगे वहीं के पत्थर निकालेंगे। कानून का ध्यान रखें, मध्य प्रदेश में कानून का राज है, हम किसी को भी पनपने नहीं देंगे। गलत करोगे रोकेंगे, नहीं मानोगे ठोकेंगे, एक कानून है, इसका ध्यान रखें। मैंने कहा था जिस घर के पत्थर आएंगे उसी के पत्थर निकाले जाएंगे। समाज को तोड़ने वाली ताकत कोई भी हो, विध्वंसकारी ताकत कोई भी हो, इस मध्य प्रदेश में कानून का राज्य, हम किसी को पनपने नहीं देंगे। वहीं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नक्सली मूवमेंट को लेकर कहा कि नक्सली गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे, आगे कोई नक्सली मध्य प्रदेश में कदम बढ़ाएगा तो मार देंगे। रिपोर्ट पता नहीं आपको किसने दी, लेकिन नक्सली गतिविधियां सीमांत क्षेत्रों पर अगर होंगी तो हम कड़ी कार्रवाई करते हैं। पिछले महीने भी हमने 3-3 लाख की जो इनामी थी, जिन पर छत्तीसगढ़ में 5-5 लाख का इनाम था और मध्य प्रदेश सरकार ने 3-3 लाख का इनाम था, उनको मार गिराया था। और आगे भी कोई नक्सली अगर मध्य प्रदेश में कदम बढ़ाएगा तो हम मार देंगे। मैंने कहा ना कि गलत करेंगे।